अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन ये आपका होता है फिफ्थ फेज, फिफ्थ फेज कोड को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि जो आपका लार्ज सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू स्मॉल सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि लार्ज सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे स्मॉल सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में कोड में कन्वर्ट करना, तो वही आपका क्या होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा। अब यहाँ देखिए जब आपने यहाँ पे कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया तो इससे क्या होगा, जो आपका टाइम होगा टाइम को यहाँ पे कम किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग सेविंग होगी और यहाँ पे मेमोरी का प्रॉपर वे में क्या होगा यूटिलाइज होगा, और यहाँ पे पावर कंजक्शन को यहाँ पे कम किया जा सकता है। सो दिस इज द कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन ये दो प्रकार का होता है। आगे देखिए यहाँ देखिए मशीन इंडिपेंडेंट और यहाँ मशीन डिपेंडेंट टेक्निक, यानी कि जो आपका होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया मशीन डिपेंडेंट टेक्निक, दूसरा आपका हो गया मशीन इनडिपेंडेंट टेक्निक्स। अब यहाँ देखते हैं कि मशीन डिपेंडेंट टेक्निक में क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं और यहाँ पर मशीन इनडिपेंडेंट टेक्निक में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ देखिए पहला आपका है मशीन डिपेंडेंट टेक्निक में बात करते हैं अंडरलाइन आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि इसमें हम लोग कौन सा मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका कैश मेमोरी है यानी जो आपका यहाँ पे कैच है, इस कैच की यहाँ पे साइज है, यहाँ पे कितने यहाँ पे रजिस्टर हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसर है या प्रोसेसर क्या है, इन सभी के बारे में बात करते हैं किसमें, मशीन डिपेंडेंट टेक्निक में, यानी कि इसको हम लोग बोलते भी हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्निक। जो आपका मशीन डिपेंडेंट टेक्निक होता है इसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्निक बोलते हैं, यानी कि मशीन डिपेंडेंट टेक्निक हम लोग क्या बात करते हैं, अंडरलाइन आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो आपका होता है मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक उसमें यहाँ पे अंडरलाइन आर्किटेक्चर का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ देखिए कि मशीन डिपेंडेंट टेक्निक में क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए इसमें पहला आपका आता है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा आपका होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक पैरेलल क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लेवल होता है। दूसरा हमारा होता है डेटा लेवल पैरेललिज्म, यानी कि यहाँ पे डेटा को पैरेलल कई यूजर को यहाँ पे जो है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और तीसरा आपका होता है कैच ऑप्टिमाइजेशन, और चौथा आपका होता है रिडंडेंट सोर्सेज। जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसको यहाँ क्या किया जाता है, कम किया जाता है, वही आपका क्या हो गया रिडंडेंट रिसोर्सेज हो गया। तो मशीन डिपेंडेंट टेक्निक क्या है, हमारा पीप होल ऑप्टिमाइजेशन आ गया, दूसरा हमारा होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है, तीसरा आपका होता है डेटा लेवल पैरेललिज्म, और चौथा आपका होता है कैच ऑप्टिमाइजेशन, और पांचवा आपका होता है रिडंडेंट रिसोर्सेज। अब आगे देखिए मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक। अब यहाँ देखिए मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक में हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन आर्किटेक्चर का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि इसमें अंडरलाइन आर्किटेक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें यहाँ पे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ देखिए मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक पहला हमारा आता है लूप ऑप्टिमाइजेशन। अब जो यहाँ पे होता है लूप ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे इसमें तीन टेक्निक होती हैं। पहला हमारा होता है कोड मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रिडक्शन बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे लूप अनरोलिंग, और तीसरा आपका होता है यहाँ पे लूप जैमिंग, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन भी, और तीसरा आपका होता है कांस्टेंट फोल्डिंग। मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू होती है उस वैल्यू को आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, जैसे कि यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7, इसका यहाँ पे जो वैल्यू होगी पाई इक्वल टू 3.14, इसको यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको पुट कर दो ताकि यहाँ पे टाइम ना लगे ज़्यादा। और यहाँ देखिए कांस्टेंट प्रोपोगेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लीज मुझे अरेंज कर दूँ। यहाँ देखिए जो आपका होता है कांस्टेंट प्रोपोगेशन, इस कांस्टेंट प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू दी गई है पाई आर स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 5 है, यानी कि 3.14 × 5 × 5, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके यानी इसको फोल्डिंग करके आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो ताकि यहाँ ज़्यादा टाइमिंग ना यहाँ पे खपत हो। सो दिस इज द मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक, जो कि हमारा आता है लूप ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा आपका होता है कांस्टेंट फोल्डिंग होता है, चौथा आपका होता है कांस्टेंट प्रोपेगेशन होता है, और पांचवा इसमें होता है एक यहाँ पे देख लीजिए कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ए इक्वल टू बी इंटू सी, और यहाँ पे फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रयोग करना है यक्स इक्वल टू बी इंटू सी, फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे जेड इक्वल टू बी इंटू सी करना है, यानी आप देखेंगे कि बार बार आपको यहाँ पे बी इंटू सी, यानी कि आप क्या करो यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लो और आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो दिस इज द कॉमन सब एक्सप्रेशन इलिमिनेशन, आप यहाँ पे इसको इलिमिनेट कर दो, तो ये आपका हो गया मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक। अब आगे देखिए